नमस्कार, आप देख रहे हैं सीओ लाइट 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। आज दिनांक को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जिला सीहोर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनमें इंजीनियर्स, लिपिकीय वर्ग लाइन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्सेस कर्मचारियों ने विशाल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संबोधित प्रेषित करते हुए ज्ञापन सौंपा। हमारा जो ज्वाइंट फोरम है विद्युत कर्मचारी संघ का, करीब 14 संगठनों का मिलकर ज्वाइंट फोरम बनाया है, और उसमें जो एक ज्वाइंट सामूहिक मांग है, मूल रूप पहले तो है सातवां वेतनमान जो केंद्र के को दिया गया है वैसा का वैसा ही विद्युत मंडल में भी लागू, विद्युत कंपनी में भी लागू किया जाए। इसके अलावा जो अभी क्या आउटसोर्स की प्रथा बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से हमको जो एक स्किल्ड स्टाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो ये कह रहे हैं जो आउटसोर्स का जो एम्प्लॉई है उनको रेगुलराइज किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से सर्विसेज दें और कंपनी का और एज वेल एज उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। नजुल्लागंज के ही नगर में राधा कृष्ण मंच द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। राधा कृष्ण मंच अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण यादव समाज द्वारा हर वर्ष अनुसार धूमधाम से चल समारोह निकाला गया, जो सीहोर रोड भारतीय विद्या मंदिर स्कूल से समारोह का प्रारंभ हुआ, जो नगर के सीहोर नाके से होते हुए इंदौर रोड दुर्गा मंदिर चौराहा होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। चल समारोह का समस्त संगठनों द्वारा कई स्थानों पर पुष्प वर्षा एवं जल सेवा कर स्वागत किया गया। नसुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम लाड़कोई में ग्राम पंचायत सरपंच को लेकर उपचुनाव संपन्न हुए, जिसमें रायद मालवी को 2480 मत प्राप्त हुए। वही राम सिंह चंदवाड़ा जो बीजेपी से प्रत्याशी थे, जिन्हें 1205 मत प्राप्त हुए। ये प्रत्याशी रायद मालवी 1275 मतों से विजय हुए। रायद मालवी की ऐतिहासिक जीत पर क्षेत्र पर हर्षोल्लास का माहौल बना। वही ग्रामीणों ने ऐतिहासिक जीत को लेकर ग्रामीणों एवं नगर में डीजे बाजों के साथ जीत को लेकर जुलूस निकाला। रायद मालवी के पिता स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद मालवी, जो कि राजनीतिक व्यक्ति थे, जिनका क्षेत्र में बड़ा नाम सम्मान था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के चुनाव में उनके पुत्र राजेंद्र मालवी को मिला। वहीं समस्त मालवी परिवार ने ग्रामीणों का आभार माना एवं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी। वहीं सैकड़ों की संख्या में जुलूस में लोग शामिल हुए। वहीं मालवी को पुष्पमालाओं से सम्मानित करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर ग्राम लाड़कोई के सैकड़ों लोग जनपद कार्यालय पहुंचे, यहाँ विजय राजेंद्र मालवी को नारों के साथ स्वागत किया। भाजपा जुक्की झोंपड़े प्रकोष्ठ ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सन्नी महाजन, पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सेवा यादव के द्वारा बाई झुग्गी का आवंटन कर पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया, जिस पर पूर्व मंत्री वर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की हर समस्याओं को देश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यथासंभव हर प्रकार की समस्याएं हल की जाएंगी। आपको भाजपा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा एवं आपको आवास के पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रपति दुर्गादास जी की 379वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष अनुसार हरित क्रांति वृक्षारोपण के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम राठौर दुर्गादास पार्क में किया जा रहा है। इस अवसर पर आज वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह, सीहोर जिला थाना प्रभारी अजय नायर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सीहोर से सीहोर लाइव 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीओ लाइव 24 व्हाट्सएप बुलेटिन पर। नमस्कार।